बख्शिश कीता है उस पावन शब्द दी विचार सत्कार योग सिंह साहिब प्रोफेसर मनजीत सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब 28 तरीक नूं है। 28 तरीक नूं ही नगर कीर्तन सजेगा।
फिर 29 तरीक न विशेष गुरमत समागम गुरद्वारा रकाबगंज साहब होंगे। चमकौर दे साके दी याद वड्डे साहबजादियां दी और चमकौर दी गढ़ी दे शहीद सिंघां दी याद विच 21 तरीक शाम को इस अस्थान ते बंगला साहब विशेष समागम है। फिर 26 तरीक न छोटे गुरु के लाला का शहीदी जोड़ मेला गुरद्वारा माता सुंदरी जी विखे हर साल की तरह बड़ी श्रद्धा बड़े सत्कार के नाल मनाया जाएगा। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। आओ अगले समय वास्ते सिंह साहिब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद। जब लो नहीं पाग लिलार योदय तब लो प्रमते फिरते बहुतायो। काल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जेने अर्चन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जागत जो सतगुरु तन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी विच अठवें पातशाह तन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे इस पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। करता पुरख वाहिगुरु जी दे अटल नियम हुक्म अनुसार धन गुरु नानक साहब महाराज ने जो बचन कीता है, सूरज एको रुत अनेक, सूरज दी वाहिगुरु जी दे हुक्म विच चाल दे अनुसार मौसम दियां तब्दीलियां रुतां दियां तब्दीलियां उदे अनुसार समाज दे मनुखी विद्वाना विचारवाना अनुसार कीती हुई समय दी वंड ते उस वंड नू वखरे वखरे नामां दे तहत विचार देयां पढ़देयां सुनदेयां अज पो नाम दा महीना आरंभ हो रहा है। सूरज दी इस चाल नाल संबंधित समय ने वाहिगुरु जी दे हुक्म अनुसार ही अपना रंग बदलना होता है। छे रुत्तां मुख तौर ते मनियां ने विद्वानां ने जिदे विच गर्मी सर्दी बरसात ये मुख ने इहदे नाल अत्यंत गर्मी अत्यंत पाला इन्हां नूं भी वक्रे नामां नाल गिणिया। यह जिहड़ा पोह दा महीना है इस दे विच ठंड ने अपने पूरे जोबन ते आके पूरे
ब्रह्मांड ते इस सृष्टि ते अपना असर पाउना हुंदा है। आपू अपनी जिंदगी दे समय अनुसार असी इस सारे वर्तारे नू देखते आ रहे हैं। गर्मी भी हंडाउने हैं, सर्दी भी हंडाउने हैं, बारिश के रंग भी देखते हैं, पत चढ़दी ओ एक उदासी वांग लगदी अवस्था भी जड़ी बनस्पति ते आउंदी है वह भी आपां हंडाउंदे देखते आ रहे हैं। बसंत का सुहावना रंग भी सानू खिच पाउंदा है, उहदा भी अनुभव आपां आपो अपनी जिंदगी अनुसार वध घट कर चुके हैं। असानू मनुख कहाउण वालियां नू महान पुरशां ने अपनी जिंदगी दे विच ये बाहरले मौसमां दे रंग हंडाउंदे आं, जिदां असी महसूस करदे आं शरीरक मानसिक तौर ते उहनू ध्यान विच रख के, जिस तरह असी अपनियां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति लई उद्यम उपराले करदे आं। गर्मी आउंदी है ते गर्मी दी तपिश तों बचण वास्ते असी ठंडक देण वाले साधना दी खोज भी करदे आं, उहनां नूं प्राप्त करन लई यतन भी करदे आं ते उहनां नूं माणदे भी आं। जिन्हां नूं मिल जांदे ने उहनां नूं लगदा है सुख मिल गया, गर्मी दी तपिश तों बच गए, गर्मी विच भी असानू ठंडक दा अहसास हो गया। सर्दी आउंदी है, सर्दी दी उस हड्डां नूं कड़काउण वाली साडे शरीर नूं ठंड नाल कंबाउण वाली जिहड़ी सर्दी है उह तों बचण वास्ते भी असी उपराले करदे हां, उद्यम करदे हां। जिन्हां नूं मिल जांदे ने साधन उह इस कड़कवीं ठंड तों बचदे हां, सुख महसूस करदे हैं, निग महसूस करदे हैं, शरीरक तौर ते राजी खुशी रहन दी उहनां नूं घड़ी नसीब हुंदी है। पर जिन्हां नूं नहीं नसीब हुंदे ये साधन जिहड़े नहीं प्राप्त कर पाउंदे उहनां लई ये गर्मी भी सर्दी भी बारिश भी तंग करन वाले, उदास करन वाले, परेशान करन वाले समय बन जांदे ने। ऐ ठंड विच भी इस तरह का प्रभाव सारे पासे देखण नूं मिलदा है। जिहड़े आर्थिक तौर ते साधन नहीं जुटा पाउंदे उहनां लई समां लंघाउणा बहुत औखा हो जांदा है, शरीरक तौर ते भी मानसिक तौर ते भी। यतन उह भी करदे नहीं प्राप्त हुंदे, औखा हुंदा समां। जिन्हां नूं प्राप्त हो जांदे उहनां नूं सर्दी की परवाह नहीं रहिंदी। महाराज ने महान पुरशां ने सतगुरु साहिबान ने साडी इस बाहरी मौसम दे प्रभाव करके बनी हुई शरीरक मानसिक अवस्था दा विचार करदे आं, सानूं अपनी जिंदगी दे मकसद वल ध्यान दवाउण दा हमेशा ही यतन कीता है। वह मकसद जिहड़ा सानू अपने जीवन दे जिन्ना भी समा मिलिया है इस लंघ रहे समय विच आनंद सुख की प्राप्ति करा सके। साडे जीवन विचली उदासी निराशा, साडे जीवन विचलियां चिंतावां फिकर उन्हां तों सानू छुटकारा दवा सके। ध्यान दवाया साडा उन्हां कर्मां वल, उन्हां विचारां वल, उस वर्तारे वल, उस जीवन जाच वल, जीवन जुगत वल, जीवन की उस निजमावली वल, जीवन की उस मर्यादा वल, जिस नूं अपना के असी अपने सृष्टि जीवन दे सृष्टि दे रचनहार करता पुरख वाहिगुरु जी दे नाल कुछ इस तरह मिल सकते हैं, जिदे मिलन करके जीवन आनंदमई सदीवी तौर पर आनंदमई बन सके, सदीवी तौर पर सुख शांति वाला संतुष्टि वाला बन सके, जिस जीवन पर माण किया जा सके,
जिहड़े जीवन नूं कामयाब सफल आखिया जा सके, उस सफल जिंदगी दी प्राप्ति लई सानूं सोझी भी करवाई है, ज्ञान भी दिता, अगवाई भी कीती, ते उस अगवाई नूं अपने जीवन विच दृढ़ करन वास्ते जिहड़ी समझ समर्था चाहीदी है, जिहड़ा उमा उत्साह चाहीदा है, चाओ चाहीदा है, वह भी साढ़े अंदर पैदा करन लई ये सतसंगी मेले बनाए है। ये सतसंगी घड़ियां साढ़े लई बख्शिश कीतियां। अज धन गुरु अर्जन देव पातशाह पंजवें सतगुरु जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण किए हुए 12 महामाझ के इस पावन बचन का आप जी ने पाठ गुरु सवारे सिंह साहब भाई रणजीत सिंह होर पासों श्रवण किया, गुरमुख ग्रंथी होर पासों। हर साल ही इस तरह हर महीने का वो उपदेश गुरुदेव की रसना तो जो उच्चारण होया, वो अपने स्वासां दे पले वास्ते असीं इत्थे आ के जां जिथे भी समा बनता है, संभावना बनती है, उत्थे श्रवण करते हैं। साढ़े अंदर एक भावना होंदी है कि अज नवा महीना चढ़िया है, ये जिहड़ा महीना अज बनिया, नवा सबब बनिया, दिन त्यौहार वाला दिन है, विशेष दिन है, इस दिन कुछ इस तरीके नाल उद्यम उपराला करिए, कोई सतसंगी सांझ बनाउण दी कोशिश करिए, गुरु वल मूँह करिए, गुरु कोल आईए, इत्थे आ के पिटावां चढ़ाइए, मत्थे टेकीए, कोई बैठ के गुरु उपदेश सुनिए, कुछ सेवा करिए, कादे वास्ते, तां के ऐसा करदिआं साडा ये जिहड़ा पूरा समा है महीने का, इहदे विच विघन ना बन, रुकावटां ना पैन, जीवन विच कुछ इस तरह का समा ना बने जिहड़ा सानू चिंतातुर करे, जिहड़ा सानू फिक्रमंद करे, जिहदे करके असीं ते साडा परिवार उदास निराश होवे। दुखदाई घड़ियां नहीं साडे जीवन विच आउणियां चाहीदियां, असीं इस महीने नूं आनंदमई बना सकीए, सुख शांति वाला बना सकीए, इत्थे आउने आ, अरदासां करदे आ, ਇਹ सब कुछ उद्यम उपराला भेटावान चढ़ाउण दा, प्रसाद कराउण दा, सेवा करन दा, होर जो जो कुछ भी असीं करदे आ गुरु दी बख्शिश प्राप्त करन वास्ते, ये सारा असीं इसे करके ही करदे आ। लंघ रहा समा सुख शांति आनंद विच बतीत हो जाए। महाराज कहिंदे मैं भी चाहुंना, मैनू अकाल पुरख जी ने भेजिया ही इस करके है कि तुहानू मनुख कहाउण वालियां नू कुछ इहो जी सोझी करवाई जा सके, कुछ इहोजिहा ज्ञान, कुछ इहोजी जीवन जाच तुहानू सिखाई जा सके जिहड़ी तुहाडे इदां कम आवे कि तुसीं अपनियां चिंतावां तो मुक्त हो के आनंदमई समा अपने जीवन का, अपने परिवार के जीवन का, अपने मित्रियां प्यारियां संबंधियों का बना सको, आप भी अपने जीवन नूं बख्शिश नाल भरपूर आनंदमई बना सको, तो दूजियां लई भी प्रेरणा स्रोत बन सको। ये बख्शिश महाराज कहिंदे तुहाडे ते करन वास्ते अकाल पुरख जी ने मैनू भेजिया, महापुरख आउंदे इसे करके। बारंबार असीं ये बचन सतगुरु का पढ़िया सुनिया, जन्म मरण दोहूं मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर स्यों लैन मिलाए, जीवन दान देने वास्ते आए है। हुण देखो तुसीं ये रमज़ भरे बचन सानू अपनियां सुरतियां च, बिरतियां च, हिरदे विच, समझ विच वसाउण दी लोड़ है। जी दान दे, महाराज कहिंदे जीवन दान देण वास्ते आउंदे आ। हुण सानू तो इदां लगदा है कि ए शरीर साडा जिउंदा है, साह लै रहे हां, तुरदे फिरदे हां, हसदे खेडदे हां, खांदे पींदे सौंदे जागदे कम काज करदे हां, जीवन तो साडे कोल है, जीवन तो जीव रहे हां। पर महाराज कहिंदे विचारिया करो इस गल नूं, जदों तुसीं उदास होंदे हो, चिंतातुर होंदे हो, फिक्रमंद होंदे हो, उस वेले किदां महसूस हो रहा होंदा तुहानूं? की तुहानूं उस वेले जीउणा जीउणा लगदा? की तुहानूं अपने इस जीवन विचों रस आ रहा होंदा? की इस जीवन दे विच तुसीं संतुष्टि, तृप्ति,
महसूस कर रहे होने माण होंदा है तुहानू लंघ रहे समय ते। बल्कि गुरुदेव कहिंदे मैं ते देखदा नीरसता चिंता फिकर बोझ तुसीं अपने मन ते लैके चलदे रहने हो, यत्न करदे हो बचण दा पर गल बनदी नहीं, औड़ पौड़ करदे हो। जिदा सर्दी तो बचण वास्ते हुण असीं आ गर्म कपड़िया दा गर्मी देण वाले साधनां दा हीटरां इत्यादि दा असीं प्रबंध करन दा यत्न करदे हां, भोजन भी उस तरह का लैण दा यत्न करदे हां जिहड़ा सानूं गरमैश देवे निग देवे सानूं। इस तरह दीआं वस्तुआं भोजन पदार्थ छकण लई असीं उद्यम उपराले करदे हां, गर्म गर्म चीज़ां जिहड़ियां साडे शरीर नूं सर्दी दे प्रभाव तों बचा सकण, कोशिश करदे हां बाहर विचरदे हां सर्दी का प्रभाव साढ़े ते ना पवे, पर जो पैंदा लगता है फिर परेशान होने दुखी होने बचना चाहते हैं ठुर ठुर करते हैं। महाराज कहते इसे नू ही आधार बना के थोड़ा विचारिया करो, थोड़ा सोचिया करो। जे ये छोटिया छोटिया गल्लां जेड़िया कल नहीं सी अज हैगियां ने कलों नहीं होनियां, ये मौसम सदा इदां ते नहीं रहना होंदा, एक दो महीने ढाई महीने किन्ना क समा रहना सर्दी का, किसी वेले सर्दी नहीं सी इस तरह, शरीर नूं कंबाउण वाला पाला ये नहीं सी इस तरह, बर्फ नहीं सी पैंदी कोरा नहीं सी पैंदा, इदां धुंद नहीं सी छाई हुई, अज हैगी है कुछ समय बाद फिर मुक जानी है। पर जेड़ी अंदर दी तुहाडी चिंता है ना, जिहड़ा अंदर दा फिक्र है, जिहड़ी अंदर दी ना समझियां दी सर्दी है, जिहड़ा अंदर दी अज्ञानता दा पाला है ना, वो अंदर जिहड़ी बेसंजमेपण दी बर्फ जमी हुई है ना, गुरुदेव कहिंदे वो थोड़ी चिरी नहीं हुंदी, वो लंबे समय तक तुहाडे जीवन दे विच विचरदियां तुहाडे ते ऐसा प्रभाव पाउंदी है कि तुसीं यतन करदियां करदियां भी नहीं बच पाउंदे। यतन की करते हैं, तन पदार्थ इकट्ठे करके मान ताने इकट्ठा करके आले दुआले अपनियां बाहां बनाउण दी सोच लैके वध तो वध लोकां नूं अपने नाल जोड़न दी अपनी वाहवा कराउण दी बिरती लैके शरीरां दी पालना पोसना लई दिने रात भज नट करन वास्ते यही यतन करते हैं ना असीं। महाराज कहिंदे मैं तुहानूं रोकदा नहीं इन्हां यतनां तों, करो पर कदी इन्हां गल्लां दा लेखा जोखा भी करना सीखो कि की इह सब कुछ करदे आं अपनियां चिंतावां तों अपने दुखां तों अपने कलेशां तों अधियां उपाधियां ब्याधियां तों तुसीं बच पाउंदे हो कि नहीं, कि इह सारा कुछ प्राप्त करके कुछ अंदर दा सुख तुहानूं महसूस हो रहा कि नहीं, अंदर दी संतुष्टि अंदर दा रस तुहानूं आ रहा कि नहीं आ रहा। ते महाराज कहिंदे सच यही है ना कि तुहाडे विच्चों बहुतियां दा जीवन बहुत कुछ होंदियां भी बहुत चिंतावां दे विच है, बहुत उदासी निराशा विच है, उहदे कारण ने जिवें बाहर कारण है ना, ठंड पै रही है ते किड्डा प्रभाव पिया है इस तुखार करके, जिहड़ा महाराज ने अज लफस वरतिया है कड़ाके दी बर्फानी ठंड वाला जिहदे विच बर्फ पै पानी भी जम जांदा है, बाहर पै रिहा कोहरा जिहड़ा है वह जम जांदा है, ठंडियां हवावां अपने प्रभाव नाल हरे भरे दरख्तां नूं भी कुमला दिंदियां ने, उन्हां दी हरियावल मुक जांदी है, पतझड़ आ जांदी है, सुके रुंड मुंड हो जांदे, घा दे तिणके तों लै के वड्डे तों वड्डे दरख्तां दे उत्ते इस सर्दी दा कड़ाके दी ठंड दा प्रभाव जिहड़ा है वह देखण नूं मिलदा है। जीव जंतु भी जिहड़े ने वह इस ठंड दे विच सुंगड़दे। महाराज कहिंदे इदां ही तुहाडे अंदर एक अजीब किस्म की कुमलाहट, जिदा बाहर बनस्पति ते नज़र आ रही है ना पतझड़
हरियावल मुक गई, पानी भी जम गया, इदा ही तुहाडे अंदर भी एक मानसिक अवस्था बनती है, तुहाडे भी अंदर जम्मे पए ने महाराज कहिंदे, तुहाडा भी अंदरला रस गुआचिया होया है। इस बनस्पति दे बारे सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहिब महाराज ने तुखारी राग विच जिहड़ा 12 महा उचारण कीता है उहदे महीने नाल संबंधित बख्शिश करदिआं उपदेश महाराज ने फरमान कीता, पोख तुखार पड़ा है वन तिण रस सुख है। साहब कहिंदे जदों इह पोह दे महीने विच तुखार बर्फानी ठंड पैंदी है ना, वन तिरण रस सुख है। घा दे तिणके तो लैके बनस्पति सारी जंगलां दे जंगल जेड़े ने उन्हां दा रस चूसिया जांदा है, सुक जांदे ने, घुमलाहट आ जांदी है इस ठंड दा प्रभाव। महाराज कहिंदे इदां ही जे तुहाडे जीवन विच चिंतावां दुख नीरसता है, रस गुआचे है, घुमलाहट है, उदासी है, फिकर ने, झोरे ने, संसे ने, तां गुरुदेव कहिंदे उहदा कारण इह औगणा दी ना समझियां दी ठंड है, विकारां दी बर्फ जम गई तुहाडे अंदर, खुदगर्जी दी, मौका प्रस्ती दी, लालच दी, लोभ दी, हंकार दी, क्रोध दी, निंदिया चुगली दी, खोहा खिंजी दी, धोखे फरेब दी ठंड जम गई अंदर, उहने रस नचोड़ लिया तुहाडे आनंद दा, सुख दा। साहब कहिंदे तुसीं परवान करो जां ना करो, दुनिया सामने तुसीं हस के भी दिखाउण दी कोशिश करो, दुनिया सामने तुसीं तंदरुस्त बन बन के दिखाउण दी कोशिश भी करो, कर सकदे हो, लेकिन अंदर जो कुछ तुहाडे वापर रहा है, उदासी भरिया, चिंता भरिया, निराशा भरिया, वह तुहानू ते पता ही है ना, बाहरलियां नू शायद ना पता लग सके। ते महाराज कहिंदे जीवन ते तुसी हंडा रहे हो, संसार ते आपो अपना जीवन हंडा रहे है, उहनू तुसी जिदा मर्जी बन के दिखाओ की फर्क पैंदा है, जिहड़ी अंदर खेड तुहाडे वापर रही है सच ते तुहाडे जीवन दा उहदे नाल जुड़िया होया है, परख ते उहदी करन दी लोड़ है, लेखा जोखा ते उहदा करन दी लोड़ है। जे तुसी अपने जीवन नू कामयाब जीवन वाला, सच्ची मुची माण तान वाला, परवान चढ़न वाला जीवन बनाउना चाहुंदे हो, ते फिर अंतरमुखी होके अपना लेखा जोखा आप करन लई सुचेत हो। महाराज कहिंदे मैं तुहानू जागे हुए इंसान दे रूप च देखना चाहुंदा, इत्थे आए हो तुसी, मैं जिवें बेनती कीती असी सारे इत्थे आउने आ कि अज नवा महीना चढ़िया है, चलिए सतगुरु दे कोल, कोई जाके इस महीने नू आनंदमय बनाउण वास्ते कोई बख्शिश झोली पवा लीए, अरदासां करिए, प्रसाद चढ़ा लीए। महाराज कहिंदे जो कुछ तुसी गुरु प्यार विच कीता मुबारक, चल के आ गए, लेकिन हुण इत्थों झोली परवा के जाओ, झोली सखणी ना लैके जाओ, गल्लां नाल नहीं सरना, कल्ले प्रसाद कराउण नाल नहीं सरना, कल्लियां भेटावां चढ़ाउण नाल नहीं सरना, ये तुहाडे गुरु दे प्रति प्यार शरदा दा प्रमाण हो सकदा है, मुबारक है, लेकिन इस तों अगली जिहड़ी गल है वह भी महाराज कहिंदे तुहाडे लई अत्यंत लोड़ींदी है। ते वह की है, जे आयो तां फिर इस महीने नू लंघदे समय नू सुहावना बनाउण लई गुरु दे इस उपदेश नाल जुड़ के इनू कसवट्टी बना के, इनू क्राइटेरिया बना के अपनी परख करन दी, अपनी पड़चोल करन दी, अपना लेखा जोखा करन दी जाच भी सिखो, सुचेत होवो, इत्थे आए सुचेत होके आओ, ते इत्थों जदों गए तां भी सुचेत होके कि इत्थों सानू मिलिया की है, कल्ला पोख तुखार ना व्यापई, वाखरू वाखरू कह के ते तुर गए, महीने दा नां सुन लिया जी भाई साहब ने सुनाता बस, नहीं, ए पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना, जिन्हां दे कंठ नाल हिरदे रूपी गल नाल ओ हरी रूपी खसम, हरी रूपी कंत पति
मिलिया रहिंदा है उन्हां नूं नहीं व्यापदी ये ठंड औगणा दी बुरियाइयां दी बेसंजमेपण दी ते उहदे विचों निकले हुए चिंता फिकरां दुखां दी नीरसता दी ठंड नहीं व्यापदी। जदों गुरु दा इह उपदेश सुनिया तां फिर साडे अंदर एक विचार चलनी चाहीदी है। महाराज जो कहिंदे ने भी पोख तुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हरना, फिर मैं विचारां ते सही कि मेरे कंठ नाल मेरा जीवन दाता प्रभु पति मिलिया होया कि नहीं मिलिया, मेरी उहदे नाल सांझ पई कि नहीं पई, मैं अपने इस जीवन दे लंघ रहे समय नूं पोख दे इस तुखार तो बर्फानी ठंड तो मानसिक तौर ते जिहड़ी मैनू परेशान कर रही है औगणा दी ठंड इह तों बचाउण लई कोई औड़ पौड़ कर रहा कि नहीं। बाहरले ते उद्दम उपराले कर ले शरीरक निघ वास्ते, शरीर नूं ताकत देण लई स्वादले ताकतवर पदार्थ भी प्राप्त करन लई औड़ पौड़ कर लिया, शरीर नूं ढकण वास्ते निघ देण वास्ते गर्म कपड़ियां ते होर साधना दा भी मैं उद्दम उपराला कर लिया, ऐ अंदर दी जिहड़ी औगणा दी कड़ाके वाली मैनूं कुमलाउण वाली मेरी जिंदगी च कुमलाहट पैदा करन वाली मेरा खड़ाओ खोण वाली ठंड जिहड़ी है इह तों बचण दा कोई उपराला मैं कर रहा कि नहीं कर रहा, कि उहो ही जिहड़े पिछले महीनियां दे विच पिछली जिंदगी दे गुजर चुके समय विच बे लापरवाहियां बेध्यानापण औगणा वाले पासे रुचित होके जीउणा, खोहा खिंजी वल धोखे फरेब वल झूठे हंकार वल निंदिया चुगली वल ही समा गुजरिया कि उदां ही गुजर रहा, कि सारा संसार जिस तरीके नाल ईरखा द्वैष निंदिया चुगली ते बेथवे बेसंजमे जीवन वाले पासे तुरिया होया उसे पीड़ विच मैं भी ते नहीं किते गुआच गया। बाबा जी ने आखिया ना फरीदा दुनी वजाई वजदी तू भी वजै ना, ये सारी दुनिया औगणा दे विकारां दे प्रभाव रूपी वजे दे अनुसार वज रही है, औगणा दे प्रभाव अधीन खुआर हो रही है, तू भी उहदे विच ही शामिल हो गया। विचारिया कर तू किते शामिल होया कि नहीं होया, जे शामिल होया तो फिर भीड़ वाला ही जिहड़ा जीवन का नतीजा है वह तो तू भी बच नहीं सकेगा। जे दुनिया विच चिंता फिक्र सारे पासे नजर आ रही है तू किवें बच सकदा जे उस भीड़ का हिस्सा बन गया, नहीं जे वह दुनिया वाली चिंता फिक्र दी अवस्था तो बचना चाहना ना भलिया तो महाराज सानू समझाउंदे है ये गुरु ने जिहड़ा उपदेश बख्शिश कीता ना इस नूं सुरती बिरती विच इत्थे बैठ के पहला सुन विचार।